सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा नौडिहा बाजार इकाई के द्वारा प्रखंड बीआरसी कार्यालय नामुदाग के प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पारा शिक्षकों के प्रति उदासीनता के आलोक में था। उपस्थित शिक्षकों ने कहा कि पारा शिक्षक का वेतन बढ़ाने व सरकार शिक्षक के स्थायी करने को लेकर सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पारा शिक्षक जिस तरीका से सरकार चुनाव के क्रम में वादा किया था, आज सरकार एक वर्ष पूरा होने के बाद भी सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे शिक्षक छतरपुर अनुमंडल के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हम लोग लाचार हैं, अब सरकार के विरुद्ध खड़ा होना होगा, राज्य स्तरीय धरना देना होगा। राज्य स्तरीय कमेटी राज्य में लिए गए निर्णय के अनुसार 17 जनवरी 2021 दिन रविवार को सत्ता पक्ष के विधायक आवास एवं 24 जनवरी 2021 को दिन रविवार को मंत्री आवास पर वादा पूरा करो प्रदर्शन की तैयारी को लेकर अंतिम रूप देना है। आप सभी समझते हैं कि बिना आंदोलन के कभी कुछ नहीं मिला है और न कभी मिलेगा। उपस्थित शिक्षकों ने एक स्वर से सरकार की निंदा की। छतरपुर से निरंजन सिन्हा की रिपोर्ट। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूरे राज्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। 3 जनवरी को प्रखंड स्तर पर, 10 जनवरी को जिला स्तर पर और 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास पर हम लोग घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम करेंगे। एक बैक ऐसा सरकारी पारा शिक्षक द्वारा मीटिंग रखने के मेन उद्देश्य क्या है कि क्यों रखा गया? वेतनमान और स्थायीकरण के लिए जी। वैध अवैध का जो बंटवारा हुआ है, शिक्षकों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जा रहा है, अनुमोदन के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। एक बात है, एनसी और अप्रशिक्षित लोगों को वेतन आज 24 महीना से नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे साथी हमारे झारखंड में 3000 लोग हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग सारे शिक्षक मिल करके झारखंड के मोरहा वादी मैदान में डट करके लड़ाई करेंगे और सरकार से लड़ेंगे। आप लोग जिस तरीका से सरकार द्वारा काम कराया जाता है, उस किस भावना से आप लोग काम करते हैं, कितना संतोषजनक रहते हैं? देखिए, हम लोग तो शिक्षक के भावना से काम करते हैं, मानव विकास का कार्य करते हैं और मानव विकास का कार्य सबसे उत्तम और अच्छा है, इस उद्देश्य से हम लोग करते हैं। मानदेय का परवाह नहीं करते हैं कि कम है कि बेसी है, लेकिन जीने खाने के लिए हम भी शिक्षक हैं, हम झारखंड के मूल निवासी हैं, राजस्व हमारा है, धरती हमारी है और बाहर के लोग आकर के कलम दिखा करके हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, तो हम लोग को मानदेय चाहिए और उचित मजदूरी मिलना चाहिए। आह्वान है कि आज 3 जनवरी 2021 को सभी प्रखंड के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करके आगे के जो रणनीति है सत्ता पक्ष के विधायक आवास घेराव कार्यक्रम 17 जनवरी को, उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो जा करके और हम सत्ता पक्ष के विधायक को ये जानकारी दें कि पूर्व में रघुवर सरकार को हम लोग इसी वादा खिलाफी के लिए भगाए थे और तुमने वादा करके सरकार गठन किया कि हम जैसे ही आएंगे पारा शिक्षकों का स्थायी करेंगे और वेतनमान देंगे, वो काम अभी सरकार नहीं कर रही है। अगर सरकार नहीं करती है हम लोग के साथ वादा पूरा काम, तो हम लोग रघुवर से भी बुरा हाल इस सरकार को करने जा रहे हैं। बस हमारा मुख्य उद्देश्य है स्थायीकरण, वेतनमान, जैसे झारखंड सबसे धनी राज्य में आता है पूरे देश में, अन्य राज्य अच्छा सुविधा दे रहा है स्थायी लोगों के जो मूल निवासी हैं, और मूल निवासी को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि पूर्व सरकार को जिस तरह से भगाए हैं, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं किया गया तो हम इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। मेन मुद्दा है हम लोग का स्थायीकरण और वेतनमान।